मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आप देख रहे हैं फास्ट समाचार। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 129वीं जयंती के मौके पर जैन समाज के लोगों द्वारा एक अनूठी मिसाल पेश की है। समाज की संस्था महावीर जिनालय ट्रस्ट समिति के बैनर तले ये निर्णय लिया गया है कि वो अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में ठाकुरपुरा में स्थित अंबेडकर पार्क में उनके अनुयायियों में भोजन का वितरण करेंगे। इस निर्णय के चलते महावीर जिनालय ट्रस्ट समिति का वाहन ठाकुरपुरा पहुंचा, जहाँ उनके द्वारा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया और सभी लोगों को गर्मा गर्म भोजन का वितरण किया। संस्था के अगम जैन ने कहा कि अंबेडकर जी किसी वर्ग विशेष के नहीं थे, बल्कि उन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। इसलिए उन्हें वर्ग विशेष का नेता कहना गलत है, क्योंकि वो जन जन के नायक थे और हिंदुस्तान के नेता थे। क्या नाम है आपका? अगम जैन। अगम जी, ये जैन समाज ने आज एक एक आपने अजब प्रक्रिया डाल दी है, जिन्होंने आज अपने जाटव समाज में जाकर अंबेडकर जी की मूर्ति के अंबेडकर जयंती मनाई। क्या प्रोग्राम था ये? आज भैया स्वर्गीय श्री भीमराव अंबेडकर जी, जो कि संविधान के निर्माता जनक कहे जाते हैं, उनका 129वां जन्म जयंती महोत्सव था। उसके उपलक्ष्य में महावीर जिनालय ट्रस्ट समिति ने यह निर्णय लिया कि हम आज ठाकुरपुरा, जो जाटव मोहल्ला है, जो बस्ती है अम्बेडकर बस्ती, उसमें जाके हम भोजन का वितरण करेंगे। वहाँ पर जितने भी परिवार हैं उनको भोजन गर्मा गर्म पूड़ी सब्जी लड्डू का वितरण हमारी टीम के द्वारा किया जाएगा, जिससे वो लाभान्वित हो सके। क्योंकि अम्बेडकर एक जनप्रिय नेता थे, ऐसा नहीं है कि वो हरिजन के नेता थे या किसी और वर्ग के नेता थे, वो किसी विशेष वर्ग के नेता नहीं थे, अपितु पूरे हिंदुस्तान के वो, और जो हिंदुस्तान का संविधान है उस निर्मातृ सभा के वो अध्यक्ष थे और संविधान के जनक कहे जाते हैं, इसलिए वो जन जन के नायक थे।